एवरी वन वेलकम बैक सो द टूडेज क्यू कैड डिस्क्राइब अ पब्लिक पार्क और गार्डन एक पब्लिक पार्क और गार्डन के बारे में बताना है वेयर इट इज वट इट इज़ लाइक हाउ ऑफ्टन डू यू गो देयर एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट इट सो ये कोई भी पब्लिक पार्क हो सकती है चाहे वो रिनाउंड है आपकी ही लोकेलिटी में यू कैन टॉक अबाउट दैट पार्क एज वेल इट इज़ इरेफर्टेबल दैट इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री एंड देयर आर एम्पल्स टू पेंडियस पार्कस एंड गार्डन इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एरिफटिबल मतलब कि जो चीज़ नहीं किया जा सकता कि इंडिया बहुत अच्छी और बहुत सुंदर कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे इतने स्टूपेंडियस मतलब कि फेब्युलस बहुत ज़्यादा अच्छे पार्क्स और गार्डन हैं इन एवरी नुक एंड कॉर्नर मतलब कि हर कोने में दुनिया भर के Uh, जंग बोल सकते हो कंट्री में हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ पब्लिक पार्क विच इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग द डैनिजन्स ऑफ माय लोकेलिटी डैनिजन्स होते हैं व नीक जहाँ की भी बात की गई हो जैसे ये मेरी लोकेलिटी के लोग हैं द नेम ऑफ द पार्क इज गोल्डन बियर पार्क विच इज़ सिटेड अराउंड द कॉर्नर ऑफ माई विलेज अराउंड द कॉर्नर मीन्स की वेरी नीयर मेरे बिल्कुल विलेज uh, के पास में ही है इट्स प्रेड्स इन थ्री किलोमीटर विच इज़ क्वाइट बिग फॉर अ स्मॉल विलेज ये थ्री किलोमीटर में फैली हुई है जो कि काफ़ी बड़ी है एक छोटे विलेज के मुकाबले में देर इज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग बिहाइंड दिस नेम एज वन कैन सी डिस्टिंग टाइप ऑफ बियर स्टैचूज इन द पार्क आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्विंग्स और बेंचेस वहाँ पे काफ़ी ज्यादा स्टैचूज बने हुए हैं बियर के और अलग अलग तरह के वो बियर हैं चाहे वो स्विंग्स हो गई वो शेप में बनी हुई है या बेंचेस उनकी शेप में बने हुए हैं

और बैठने के लिए भी एक अलग ही एरिया बना हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ वाइड ट्रैक वे एवरीबडी डज जॉगिंग और वॉकिंग इन द अर्ली मॉर्निंग दिस पार्क इज सराउंडिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज विच इनहानसिसज इट्स ब्यूटी इनहानसिज मीन्स इंक्रीजेस आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली इन दिस पार्क बिकॉज ऑफ विच आई फील रिफ्रेश एंड रीयूमेटेड फॉर द होल डे एव वेन एवर आई गो दियर आई फील माई सेल्फ इन द लैप ऑफ़ नेचर एज द चिपिंग ऑफ बर्ड इज़ सो सूथिंग सो इन द लैप ऑफ नेचर मीन्स अपने आप को कुदरत की गोद में आ, जो है वो आ, महसूस करना ऐसा फील होता है क्योंकि ग्रीनरी है ऑल अराउंड और जो बर्ड्स की चिपिंग की जो वो चहकते हैं वो जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा सूथिंग है मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है सुनने में द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज़ दस पार्क इज क्वाइट स्पीक एंड स्पैन स्पिक एंड स्पैन होता है नीट एंड क्लीन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ माई लोकेलेटी पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू मेन्टेन इट पुट हिज़ बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ये कीडियम आ गया कि जो अपना तरफ से हंड्रेड परसेंट कोशिश करना कि इस स्पीक एंड स्पैन इन्वायरमेंट को जो है वो मेन्टेन रखा जा सके आई पर्सनली रेकन रेकन मीन्स के थिंक मैं पर्सनली ये चीज़ सोचता हूँ दिस पार्क इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट अमेनिटीज़ मतलब की फैसिलिटीज फॉर आर लोकेलिटी प्रोवाइड बाई द लोकल फ्रेजी मीन्स की गवर्नमेंट मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि ये एक बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी है जो हम लोगों को प्रोवाइड की गई है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से सो so काफ़ी अच्छी चीज़ है टू कैपिट ऑल ये आ गया इडियम एंडिंग के लिए दिस इज़ द पब्लिक पार्क वेरा गो जहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ इंजॉय एवरी मोमेंट और हर मोमेंट वहाँ पे इंजॉय करता हूँ सो so ऐसे करके आप क्यूकर्ड को डिस्क्राइब कर सकते हो थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे